इस विजय दशमी पर मोकामा विधानसभा के लोगों को क्या कह रहे हैं? साल भर में ये पर्व आता है, इस पर्व के लक्ष्य में कहेंगे मोकामा क्या पूरे बिहार वासियों को, भारत वासियों को, जो भी दुर्गा पूजा में अपना आस्था रखते हैं, माता दुर्गा की आराधना करते हैं, वो खुशी से उल्लास से सत्य पर असत्य पर सत्य की विजय का उल्लास को मनाएं और दुर्गा पूजा का मेला का आनंद लें। रावण वध यहाँ जो है कि पिछले कहा जाता है 40 सालों से ये हो रहा है, बीच में रुका था, फिर जो है कि ये चालू हो गया है। जिन्हें रावण वध तो मैंने चालू उस समय हम ही लोगों के द्वारा शुरुआत किया गया था, उसमें हम भी थे, हमारे एक बड़े भाई थे दिलीप सिंह, छोटे दा इस दुनिया में नहीं है, मोकामा थाना के इंस्पेक्टर KD सिंह हुआ करते थे, उन्हीं के मैंने अथी से सहयोग से हम लोग शुरुआत किए थे उस समय से चला, फिर बीच के दिनों में कुछ कारण से बंद हो गया, फिर जो शुरू हुआ अनवरत जारी है। और अब ये एक मैंने दुर्गा पूजा में दशहरा में एक मैंने राष्ट्रीय पर्व की तरह हो गया है, सभी लोगों को लगता है कि मोकामा में रावण वध, हमको नहीं लगता है कि बिहार में पटना से भी ज़्यादा मैंने लोग यहाँ देखने के लिए आते हैं और यहाँ भव्य रूप से मनाया जाता है रावण वध। दूर दूर से यहाँ आए हुए विभिन्न लोग सर जो रावण वध में दर्शन करने के लिए पहुँचे हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा सर? रावण का वध जो देखते हैं वो ये हम लोगों को यही संदेश देता है कि पाप का अंत है और सत्य का विजय हो रहा है। तो लोग अपने अपने मन के रावण को मार करके और सत्य के राह पर चलें और अपने देश के तरक्की के लिए सोचें, अपने क्षेत्र की तरक्की के लिए सोचें। धन्यवाद।